केंद्र मंत्रालय ने मिनिस्टर पचाड़ी ने ये तय कर दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस नर्सरी क्लास के लिए मात्र आधा घंटा एक घंटा हो जाएगी। सारी सुविधाएं और सब कुछ मिला करके वो फीस तय होती थी, 5 घंटे की क्लास खत्म होकर के 1.5 घंटे में आ गई है, तो क्या आधार है कि आप वो फीस उतनी ही लेंगे? 1.5 घंटे की क्लास डेली हो रही है, उसके हिसाब से फीस कितनी बनती है वो तय कर दीजिए, हम दे देंगे। देखिए, जहाँ पटिशन की आप बात कर रहे हैं, ये याचिका हमने डाली है हाई कोर्ट में, प्रताप जी ने डाली है, आरआरपी के अध्यक्ष हैं प्रताप जी, सॉरी लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन के अध्यक्ष हैं प्रताप जी, उन्होंने ये याचिका डाली है, ठीक है ना जी। तो उस याचिका का में हमारी दलील क्या है? हमारी दलील सिर्फ इतनी सी है, हम कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरी बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने, केंद्रीय मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने ये तय कर दिया है कि ऑनलाइन क्लासेस नर्सरी क्लास के लिए मात्र आधा घंटा एक दिन में हो सकती है। पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के लिए ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ 45-45 मिनट के 2 ही लेक्चर हो सकते हैं, यानी 1.5 घंटा सिर्फ हो सकती है। और 9वीं से लेकर 12वीं तक जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो 45-45 मिनट के 4 लेक्चर एक दिन में हो सकते हैं, जो कि 3 घंटे बैठता है। अब मैं चलो 9वीं-12वीं को भी छोड़ दूं, अगर मैं नर्सरी से 8वीं तक के लूं तो आपका मैक्सिमम एक दिन में 1.5 घंटे की क्लास होगी। अब जो फीस हम पहले दे रहे थे वो 5 से 6 घंटे की फीस होती थी स्कूल की, और साथ में उसकी बहुत सारी सुविधाएँ उसमें होती थी, वो सारी सुविधाएँ और सब कुछ मिला करके वो फीस तय होती थी, वो फीस हम दे रहे थे, सालों से दे रहे हैं पेरेंट्स, ठीक है। अब जो वो सुविधाएं खत्म हो गई, वो 5-6 घंटे की क्लास खत्म होकर के 1.5 घंटे में आ गई है, तो क्या आधार है कि आप वो फीस उतनी ही लेंगे? किस आधार पे? हमने सिर्फ याचिका में यही तय किया है कि आप सिर्फ वो आधार तय कर दीजिए कि जी पहले ये सुविधाओं के साथ इतनी घंटे की क्लासेस के साथ, 5-6 घंटे की क्लासेस के इतनी फीस बनती थी, हम दे रहे थे वो, अब वो चीज़ नहीं रही। अब आपका दूसरा तरीका आया है कि आप जो है अब ऑनलाइन क्लासेस की 1.5 घंटे की क्लास डेली हो रही है, उसके हिसाब से फीस कितनी बनती है वो तय कर दीजिए, हम दे देंगे। भाई आप ही को बात करें, आपका न्यूज़ चैनल है, आपने एडवर्टाइजमेंट का किसी से लिया कि भाई आपको 10,000 रुपये लगेंगे, हम रोज़ जो है आधा घंटा या रोज़ 1 घंटा आपकी एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, राइट? आप चला रहे थे, सालों से चलता आ रहा था, लेकिन अब किसी वजह से वो एडवर्टाइजमेंट आप जो है 1 घंटा चलाने के बजाय खाली 10 मिनट चला रहे हैं, तो क्या अभी भी उसे चार्ज वो 10,000 ही रुपये लेंगे? सीधी सी बात है, वही हम स्कूल से कह रहे हैं, राइट? अब आते हैं आपका जो दूसरा सवाल आपने पूछा है कि जी स्कूलों का कहना है कि स्टाफ की फीस कहाँ से देंगे। बिल्कुल सही बात है जी, स्टाफ की फीस कहाँ से देंगे एक समस्या है, स्टाफ की फीस की हम चाहते हैं कि पूरी स्टाफ को जो उन्होंने रखा है उसको पूरा फीस भी दें, और ये हम भी चाहते हैं कि टीचर्स को पूरी फीस मिले, पूरी सैलरी मिले, स्टाफ को पूरी सैलरी मिले, या कमती बढ़ती जो भी करके कुछ जो समय के हिसाब से वो डिसाइड करें आज करें। उसमें मेरा ये कहना है कि देखिए उसका हालांकि इस केस से कोई लेने देना नहीं है, मेरा उसमें ये कहना है कि जब आप पूरा क्लास ले रहे थे, पूरा स्कूल चल रहा था, सुविधाओं के साथ जब क्लास ले रहे थे तो हम पेरेंट्स फीस दे रहे थे, और पेरेंट्स फीस कहाँ से ला रहे थे स्कूल को कभी कोई मतलब नहीं रहा, वो पेरेंट्स चोरी करके ला रहे थे, डाका करके ला रहे थे, या कमा के ला रहे थे, या भीख मांग के ला रहे थे, या अपने गहने बेच करके ला रहे थे, स्कूल ने कभी इस बात की जानने की कोशिश नहीं करी, स्कूल को कभी इस बात की परवाह नहीं थी, वो साफ कहते थे फीस दे दीजिए नहीं तो हम नाम काट के भगा देते थे बच्चे का, राइट? आज विपट उलट परिस्थिति हो गई है, आज पेरेंट्स कह रहे हैं तो भैया हमें इतना आप स्कूल और जो जिस दिन आप स्कूल की वही सुविधा है और वही टीचिंग हम दे देंगे, हम उस दिन फीस दे देंगे आपको। भैया आप देते थे उसका फीस मिलती थी, आज वो कह रहे हैं कि आप वो सारी फैसिलिटी दे दीजिए, हम आपको फीस दे देंगे। बताइए क्या गलत कह रहे हैं वो उसमें? तो आप स्कूल जाने ना, वो कहाँ से करेंगे जब उन्होंने पेरेंट्स से कभी जानने की कोशिश नहीं करी, मजबूर पेरेंट्स को कई बार इतना परेशान किया जाता था तब उन्होंने जानने की कोशिश नहीं करी, तो आज स्कूलों में अगर समस्या आई है तो स्कूल अब खुद जाने, स्कूल की समस्या पेरेंट्स देखेंगे, पेरेंट्स की समस्या स्कूल कभी नहीं देखे। देखिए 23 तारीख को जो पिटिशन लगी थी हमारी हाई कोर्ट में, उसमें यही था कि ऑनलाइन की फ़ीस तय कर दीजिए, आपने 5-6 घंटे के रेगुलर स्कूल की फ़ीस थी वो तय थी, पहले से चल रहा था, सालों से चल रहा था, अब ऑनलाइन क्लासेस का अब नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, वो क्लासेस की ड्यूरेशन भी कम हो गई है, आप उसकी सिर्फ फीस तय कर दीजिए, सिर्फ हमने कोर्ट से कहा। कोर्ट ने बहुत अच्छे से उसको सुना, बहुत संज्ञान में लिया, काफ़ी बहस हुई, उसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर दिया है, क्योंकि 1-2 पिटिशन और लगी हुई हैं दूसरे तरीके से, शायद उनको क्लब करके कोई निर्णय आएगा, तो वो निर्णय अभी सुरक्षित रख दिया है। अब जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ सकता उस पर हम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते हैं। We'll be right back.